वालेकुम जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मैं अपनी गाड़ी का पेंट रिकवर करूंगा, यानी जो स्क्रैचेस हैं जो फेडनेस हैं जो स्टेन्स हैं वाटर स्पॉट्स वगैरह वो, वो खत्म करूंगा। और इसके लिए मैं यूज़ करूंगा मैगवायर्स के प्रोडक्ट्स सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी के बैक डोर पे एक्सपेरिमेंट करूंगा इसको मैं एक्सपेरीमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वैसे तो मैं वैक्स करता रहता तो हूँ गाड़ी को तकरीबन हर महीने लेकिन पहले कंपाउंड फिर पॉलिश फिर वैक्स जो कि मैं इस वीडियो में करूंगा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं ये सब कुछ हाथों के साथ करूंगा कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहा इसलिए आप वीडियो को फॉलो करके अपनी गाड़ी की जो फेडनेस है पेन में जो स्क्रैचेज है उनको रिकवर कर सकते हो जब आपने किसी पार्ट पे काम शुरू करना है तो आपने एक ही बार में पूरे पी ही शुरू कर देना उसको डिवाइड कर लो या किसी छोटे हिस्से से शुरू करो ताकि आप कंपेयर भी कर सको और मैगोर्स भी सजेस्ट करता है कि आप किसी छोटे पार्ट से शुरू करो और फिर आगे बढ़ो मैंने ये डोर गार्ड भी उतार लिया ताकि जो जिसके नीचे वाला पेंट है वो भी साफ हो जाए और आपने काम करने से पहले गाड़ी को वॉश कर लेना है मेरी ऑलरेडी वॉश इसलिए मैं जस्ट कपड़े साफ कर रहा हूँ ताकि जो मटी है वो साफ हो जाए और यूज़ करेंगे हम वही मैगोर्स के प्रोडक्ट्स इसका कंपाउंड पॉलिश वैक्स और एप्लीकेटर पैड सबसे पहले अल्टीमेट कंपाउंड यूज़ करना है मेगॉयर्स का इसको पैड पर डाल के आपने फैला देना है पूरे पैड पे ताकि सिर्फ एक जगह ना इकट्ठा रहे ये इस तरह और सर्कुलर मोशन में आपने इस तरह अप्लाई करना है और इसको अच्छा खासा टाइम देना है ये वैक्स की तरह नहीं है कि जैसे आपने एक कोट किया और छोड़ दिया इसको अच्छी तरह स्प्रेड करना है और टेंट नहीं लेनी ये जो मैग्वायर्स का है ये क्लियर कोट सेफ है ये लिखा हुआ है तो आपके ये पेंट को डैमेज नहीं करेगा इसको अच्छी तरह स्प्रेड करना है और ड्राई होने नहीं देना अगर आपको लगे कि ड्राई हो रहा है और ले लेनी है कंपाउंड और उसको रब करते जाना है और लगाते वक्त तो आपने उसको अपनी फिंगर टिप्स से प्रेशर नहीं देना है इसको इवनली पकड़ना है अगर आप फिंगर टिप्स से दबाओगे तो प्रेशर इवन ही होगा और इतना अप्लाई नहीं होगी और इस बैक डोर पर काफ़ी डीप स्क्रैचेस भी हैं इतने डीप है जिसकी वजह से मेटल शीट भी बैंड होगी हुई है वो तो जाहिर सी बात रिमूव नहीं होंगे लेकिन जो छोटे स्केचेज हैं वो रिमूव हो जाएंगे और फिर इसको आपने माइक्रोफाइबर से साफ कर लेना है आपको भी से ज़्यादा हो जाएगा कि कंपाउंड से इंप्रूवमेंट आई है ज्यादा से डीप डीप्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे और अगर कहीं से कंपाउंड ड्राई हो जाए तो आपने कंपाउंड वाला पैड ही उस पर मलना है और साफ कर लेना है इस तरह ये कंपाउंड जब ड्राई हो जाएगा तो उतरेगा नहीं कपड़े से आपको मलना पड़ेगा दोबारा उसके ऊपर पैड से और अब पॉलिश की बारी अल्टीमेट पॉलिश आपने इसी तरह इसको पैड पर अप्लाई करना है और फिलहाल के सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर देना है पूरे दरवाजे के ऊपर इसको आप बेशक इतना प्रेशर ना दो लेकिन फाना आपने उसको अच्छी तरह और अगर आपको सेम अगर लगे कि ड्राई हो रही है तो आपने और पॉलिश ले लेनी है और उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है इस तरह वैसे मुझे था कि ये जो स्क्रैचिज हैं डीप ये भी मूव हो जाएंगे लेकिन ज़ाहर सी बात है कि इतना डीप स्क्रैच पेंट के अलावा नहीं मूव हो सकते ये आपने इस तरह साफ कर देना है इसको अभी से ही काफ़ी ग्रॉस है माशाल्लाह और इन द एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लिक्विड वैक्स इसको भी सेम मैं आप फास्ट फास्टफॉर्वर्ड करूँ ताकि आप बोर ना हो इसको पैड भी लेना है अप्लाई करना है इस तरह और साफ़ कर लेना है और मैं आपको एक और बात कह दूँ कि ये जो कंपाउंड और पॉलिश है इनको आपने वेट लगाना है और वेट फॉर्म में ही उतार लेना है इनको आपको ड्राई होने का वेट नहीं करना ड्राई होकर ये उतरते नहीं है बहुत मुश्किल होता है ये वेट फॉर्म में ही अपना काम कर करती हैं अब मैं आपको ऐसा माको कंपेरिजन ऐसा तो नहीं दिखा सकता कि मैं आपको जैसे पिक्चर दिखाऊँ बिफोर आफ्टर की आप जज कर लो कि यार वाकई इंप्रूवमेंट है इसका तरीका ये होता है कि जो लाइट होती है वो स्क्रैच वाले एरिया पर काफ़ी स्प्रेड होती है जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पर लाइट इतनी स्प्रेड नहीं हो रही लाइट का सोर्स है बस वो नज़र आ रहा है और राइट साइड पर लाइट काफ़ी स्प्रेड हो रही है क्योंकि वहाँ स्क्रैचजेजे बहुत ज़्यादा है और इसी तरह मैं आपको अपने रिजल्ट दिखाऊंगा ये हमारी लेफ्ट साइड जो अनट्रीटेड है ये काफ़ी लाइट फैल गया है यहाँ के उनको स्क्रैचज हैं काफ़ी और ये राइट साइड इस पर सिर्फ आपको लाइट का सोर्स नजर आ रहा होगा स्क्रैचज़ नहीं है माशाला इसके बाद मेरा पीछे लेफ्ट साइड पे फ्यूल लिट के नीचे भी यहाँ स्क्रैचेज थे इसको मैंने साफ़ किया उसी तरह पहले कंपाउंड फिर पॉलिश फिर वैक्स और इसका अलग का शुक्र रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसके ये इसका बिफोर का रिजल्ट और ये आफ्टर का तकरीबन वैनिश हो गया और मेरे लिए ये मेन चीज मेरी गाड़ी के ट्रंक के ऊपर डिगी के ऊपर काफी स्क्रैचेस थे क्योंकि जो भी सामान निकालते हैं ट्रंक से वो इसके ऊपर रखते हैं और उठाते हैं, रखते हुए स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इसके ऊपर काफ़ी स्टेंस भी थे बहुत सारे स्पॉट्स थे उनको मैंने साफ़ किया उसी तरह पहले कंपाउंड फिर पॉलिश फिर वैक्स ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है ताकि आप बोल ना हो मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाता हूँ ये करके ये बिफोर के इस पे स्टेंस भी हैं ऊपर वाटर स्पॉट्स भी हैं और स्क्रैचेस ये ट्रीटेड एरिया कोई स्क्रैच नहीं है कोई स्पॉट नहीं है जितना मर्ज़ी फोकस करके देख लो काफ़ी क्लीन है माशा और अब बारी गाड़ी की मेन लुक्स यानी गाड़ी के फ्रंट की गाड़ी के फेस की इसको ही मैंने इस तरह ट्रीट किया यानी पहले कंपाउंड फिर पॉलिश फिर वैक्स मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ ये मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस था जितना मेरे से बेहतर हो सका मैंने किया है और ये वीडियोस मैंने काफ़ी फास्ट किया क्योंकि मैंने प्रॉपर टाइम दिया तीनों चीज़ों को ताकि बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट आए मैं आपको जस्ट इनका बिफोर और आफ्टर रिजल्ट चेक करवाता हूँ और इसमें भी काफ़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्केचेस ख़त्म हो गई हैं फ्रंट हाउस से ये इसके बिफोर के रिज़ल्ट ये आप देखो लाइट काफ़ी फैल रही है लाइट के सराउंडिंग में काफ़ी ग्लेयर है और ये राइट साइड पे सिर्फ लाइट का सोर्स नज़र आ रहा है कोई स्क्रैच नहीं है ये एक और बार देख लो लेफ़्ट साइड पे ये काफ़ी स्क्रैचेस हैं लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी हल्के निशान और राइट साइड पे सिर्फ लाइट का सोर्स नज़र आ रहा है और ये एक और एंगल से ताकि आपको बेहतर बेहतरअाज़ा होगा कितने अच्छे रिज़ल्ट अचीव किए हैं नो डाउट रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं लेकिन टू बी ऑनस्टली जो मेरी उम्मीद थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया क्या पता मैंने कोई स्टेप्स इतना किया ना हो या फिर मैंने स्क्रैच को जज ना किया हो काफ़ी डीप स्क्रैच हो क्योंकि मेगोर्स एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है अमेरिकन ब्रांड है और इससे इससे बेहतर रिजल्ट अचीव किए जा सकते थे खैर चूँकि ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी मैंने पहली बार यूज़ किया कंपाउंड तो मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे सेटिसफाई हूँ और आप ये पैड कंडीशन देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इंप्रूवमेंट हमने अचीव की है कितनी फेडनेस है कितनी डर्टनेस हमने रिमूव की है तकरीबन तक ब्लैकआउट हो गया हुआ पैड थैंक्स फॉर हाफिज़